नमस्कार, फ्लिपकार्ट वेब डेवलपमेंट सीरीज के 25वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको, एडमिन जब लॉगिन करता है तो उसने कब लॉगिन किया, किस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया, उसकी एक्टिविटी लॉग्स स्टोर करके बताऊंगा। सो आप देखिएगा, ठीक है, ये एडमिन पे जंप हो गया। यहाँ से मैंने लॉग आउट किया और यहाँ से मैं अगर डैशबोर्ड को बगैर लॉगिन के एक्सेस करूँ तो एक्सेस नहीं होने देगा, ये चीज हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही जिसने भी लॉगिन किया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे डीबी में स्टोर करवानी है, तो सबसे पहले मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसे हम बोलेंगे यूजर एक्टिविटी लॉग्स। ठीक है, और वहां पर मैं कम से कम 5 कॉलम ले लूंगा और मैं क्रिएट करूंगा। कॉलम का नाम दे दूंगा मैं यूजर एक्टिविटी लॉग आईडी, इंटीजर दे दिया, एट्रीब्यूट में अनसाइंड दे दिया, उसको आप प्राइमरी की दे दो और आगे एआई दे देना ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर यूआईडी देना है कि किस यूजर ने लॉगिन किया, वो जनरली वेर केयर 255 आपको देना है। उसके बाद आईपी, किस आईपी एड्रेस से हुआ है, तो आईपी अंडरस्कोर एडीडीआर, और यहाँ पर अभी आपने क्या दिया, वेर केयर 255 दे दिया। उसके बाद कब क्रिएट हुआ है और अपडेट कब हुआ है, रिकॉर्ड क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, इसमें आपको टाइम स्टाम्प लेना है और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू आपको करंट टाइम स्टाम्प, और अपडेटेड एट में भी आपको टाइम स्टाम्प लेना है। और ये टाइम स्टाम्प लिया और करंट वैल्यू यहाँ डिफॉल्ट टाइम स्टाम्प मैंने ले लिया। उसके बाद आप सेव करना। ये यूजर एक्टिविटी लॉग्स वाली जो टेबल है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ये क्रिएट हो गई। अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ, ये यहाँ पर आ गया, यूजर एक्टिविटी लॉग्स करके मैंने एक टेबल बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई भी यूजर यहाँ से लॉग इन करे, चाहे वो एडमिन हो, ऑपरेटर हो, वेयर हाउस इंचार्ज हो, सपोर्ट इंजीनियर्स हो, जो भी लॉग इन कर रहा है, उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे पता चलनी चाहिए कि भाई कब और किसने लॉग इन किया। ये यूजर एक्टिविटी लॉग्स में इंफॉर्मेशन आपकी कब स्टोर होगी, जब आप लॉग इन कर रहे होते हो। यहाँ पर मैं गया कंट्रोलर के अंदर, एडमिन कंट्रोलर के अंदर, और एडमिन कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर देखिए कि यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा है। ये हमने यूजर नेम एक्सेस किया, पासवर्ड एक्सेस किया, और चेक यूजर एग्जिस्ट नाम के जो हमारा लॉगिन मॉडल था उसकी एक मेथड है, उसमें मैंने डाटा सप्लाई किया और कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल रहा है, डेटाबेस से यूजर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर यूजर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो अल्टीमेटली मैं उसको क्या बोल दूंगा, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, अदरवाइज मैं कहाँ जंप कर रहा हूँ डैशबोर्ड पर। तो हमें एक्टिविटी लॉग्स करनी है तो डेफिनेटली सबसे पहला काम होगा कि मुझे क्या करना है, इंसर्ट दी एक्टिविटी लॉग्स। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा कि वो यूजर किस आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है। तो आईपी एड्रेस गेट करने के लिए आप एक लोकल वेरिएबल बना लो जिसके अंदर मैं अपना आईपी एड्रेस स्टोर करवाऊंगा। सो यूजर का क्या आईपी एड्रेस है वो गेट करने के लिए पीएचपी के अंदर बिल्ट इन ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू आप आईपी एड्रेस गेट कर सकते हो। सो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, और यहां पर आप लिखेंगे रिमोट रिमोट अंडरस्कोर एडीडीआर, इसके थ्रू आप यूजर का आईपी एड्रेस गेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेफिनेटली इस कॉलम में मेरा ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। अब मुझे यूजर की आईडी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली मुझे पता है कि ये देखिए यूजर इन्फो मिल रहा है, जीरो इंडेक्स पर मुझे एफ नेम मिल रहा है, जीरो इंडेक्स के अंदर मुझे एक अरे मिल रही है, एसोसिएटिव अरे, जिसमें एफ नेम, एल नेम और लगभग सारे ही कॉलम मिल रहे हैं। ये देखिए,
अगर आप इसको यहां पर ये वार्डम करवाओगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन की जानकारी मिल जाएगी। मैं करवाई देता हूं, यहां पर मैं वार्डम करवाई देता हूं और यहां पर मैं डाई कर देता हूं। और यहां पर देखना, मैं बाहर निकला और लॉग इन किया, ये देखो अरे के अंदर अरे। सो अरे बाहर वाली अरे एक इंडेक्स अरे है, न्यूमेरिक अरे, जिसके अंदर जीरो इंडेक्स पर एसोसिएटिव अरे पड़ा हुआ है। तो मुझे किसको एक्सेस करना है, यूआईडी को। तो यूआईडी को एक्सेस करने के लिए बाहर वाले अरे के जीरो इंडेक्स के यूआईडी को एक्सेस करना है, तो मुझे ऐसे ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, मैंने यहाँ यूआईडी ले लिया एक वेरिएबल और उसको बोल दिया मैंने सेम टू सेम, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और सिर्फ एल नेम की जगह मैं क्या बोल दूंगा, यूआईडी, क्योंकि ये मेरा कॉलम नेम है। ये देखिए ये कॉलम, और डेटाबेस के अंदर भी अगर आप यूजर्स टेबल देखेंगे तो उसके अंदर भी ये की यही कॉलम नेम है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस डाटा को एक अरे के अंदर स्टोर कर लो, एक एसोसिएटिव अरे बना लिया मैंने, ठीक है। सो मान लीजिए पहले की पर मैंने यहां पर यूजर आईडी रख दिया, पहले की का नाम यूआईडी रख दिया और उस पर मैंने ये यूजर आईडी स्टोर करवा दिया। उसके बाद दूसरे की पर मैंने क्या ले लिया, आईपी ले लिया और उस पर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, अपना आईपी एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये मेरा एक एसोसिएटिव अरे बन गया है। अब इस डाटा को मुझे डीबी में स्टोर करना है। मेरा जो डीबी में, अच्छा कौन सी टेबल है जिसमें मैं स्टोर करना चाहता हूं, यूजर एक्टिविटी लॉक्स के अंदर, यूजर एक्टिविटी लॉक्स के अंदर। तो स्टोर करने के लिए मुझे इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब एमवीसी फ्रेमवर्क में जब भी डेटाबेस का ऑपरेशन होता है तो वो आप कभी भी कंट्रोलर पर नहीं करते हैं, और अभी मैं कहां पर हूं, एडमिन कंट्रोलर के अंदर हूं। तो आप चाहें तो यहां पर ही अपना क्वेरी बिल्ड करके यहां पर आप इंसर्ट करवा सकते हैं, बट वो एमवीसी फ्रेमवर्क की पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसलिए जितना भी इंसर्ट क्वेरी होता है, जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, वो सारे के सारे कहां होते हैं, मॉडल के अंदर। तो मुझे एक मॉडल बनाना पड़ेगा और उस मॉडल का नाम डेफिनेटली वही होना चाहिए जो कि हम काम करने जा रहे हैं। हम क्या काम करने जा रहे हैं, एक्टिविटी लॉग्स को स्टोर करने जा रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं किस नाम का मॉडल बनाऊंगा, एक्टिविटी नाम से। सो यहां पर आप देखिएगा, आप जाइएगा अपने मॉडल फोल्डर के अंदर और यहां पर कोई सा भी एक मॉडल ले लो। मैंने ले लिया कस्टमर्स मॉडल। जो भी मॉडल होगा वो अल्टीमेटली किससे एक्सटेंड होगा, मॉडल से। मतलब पेरेंट कौन है, मॉडल क्लास है, और चाइल्ड क्लास आपकी वो क्लास होगी जो आप बनाने जा रहे हो। सो यहां पर मैंने क्या किया, इसका मैं क्लोन कर लेता हूं, इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सेव एज कर रहा हूं, और इस सेव एज को मैं यहां पर क्या करूंगा, एक्टिविटीज। अब यहां पर आप देखिए कि जितने भी मॉडल्स है, शायद वो आप प्लूरल फॉर्म में ले रहे हैं। ये देखो कस्टमर्स, कैटेगरीज, यहां पर हालांकि मैंने यूजर्स नहीं लिया, बट जनरली आपको प्लूरल फॉर्म में मॉडल्स लेने हैं जनरली। सो यहां पर मैंने ले लिया एक्टिविटीज, ठीक है। सो एक्टिविटीज नाम का मैंने एक क्या बनाया, अपना एक मॉडल बनाया। ये देखिए एक्टिविटीज नाम का मेरा मॉडल बना। अब यहां पर आपने वो मॉडल, जो फाइल का नाम वो के वही क्लास का नाम, ये रूल है एक्टिविटीज। सो यहां पर ये देखिए एक्टिविटीज, एक्टिविटीज जो फाइल का नाम वो के वही मॉडल का नाम, एक कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं। और यहां पर जो है आपको क्या करना है, स्टोर करना है। सो मैं क्या करूंगा, एक स्टोर नाम की मेथड बनाऊंगा। क्योंकि मैं स्टोर करना चाहता हूं तो डेफिनेटली डीबी में स्टोर करने के बाद मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है, इसलिए मैं यहां से क्या कर रहा हूं, रिटर्न स्टेटमेंट हटा रहा हूं। अब यहां पर क्वेरी मुझे क्या बिल्ड करनी पड़ेगी, डेफिनेटली स्टोर की, और स्टोर मतलब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो मेरा टेबल नेम क्या है, यूजर एक्टिविटी लॉग्स। सो ये यहां पर मैंने लिखा। उसके बाद इंसर्ट इनटू किया, इंसर्ट इनटू यूजर एक्टिविटी लॉग्स,
फिर यहां पर मुझे पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज फिर वैल्यूज फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहां पर कॉलम नेम आते हैं, यहां वैल्यूज आती है, वैल्यूज हमेशा सिंगल कोटेशन में होती है। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाला सिंगल कोटेशन है तो अंदर सिंगल कोटेशन नहीं ले सकते हो, तो बेटर यह है कि बाहर वाले को मैं क्या कर दूं, डबल कोटेशन कर दूं। सो देखिए डबल कोटेशन से स्टार्ट हुआ, डबल कोटेशन से खत्म हुआ, तो बीच में सिंगल कोटेशन आ सकता है। तो यहां पर मुझे स्टोर करवाना है क्या क्या, यूजर आईडी, ये मेरे कॉलम का नेम है, तो कॉलम का नेम हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, वैल्यूज के लेफ्ट साइड पे कॉलम नेम लिखते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया आईपी एड्रेस, तो ये मेरा आईपी एड्रेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉलम नेम कभी भी सिंगल कोटेशन में नहीं लिखना है। कई बार क्या होता है, डेवलपर यहां पर सिंगल कोटेशन लगा देता है जो कि एरर फेंक देता है, तो यहां पर आपको कोटेशन नहीं लगाने कॉलम नेम में, बट वैल्यू जो होती है वो हमेशा सिंगल कोटेशन में आएगी। तो दो कॉलम तो दो वैल्यूज, दोनों वैल्यूज किस में आएंगी, सिंगल कोटेशन में आएंगी, इसलिए यहां पर मैंने दो कोटेशन लगा दिए। अब ये वैल्यूज आएगी कहां से, ठीक है, ये वैल्यू आएगी कहां से, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहां रिसीव करनी पड़ेगी, और यहां रिसीव तभी करूंगा जब मैं यहां पर उसको कॉल करवाऊंगा। सो यहां पर मुझे कॉल करवाने के लिए, मुझे क्या करना है, उस मॉडल को कॉल करवाया। सो यहां से मैं करूंगा डॉलर दिस, उसके बाद लोड ऑब्जेक्ट, उसके बाद लोड प्रॉपर्टी है, उसके बाद मैंने मॉडल किया, और उसके बाद मैं अपने मॉडल का नाम दे दूंगा, ये मेरे मॉडल का नाम ये है, यहां पर गया मैं और यहां पर मैंने पास कर दिया। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब भी मैं मॉडल को कॉल करवाता हूं तो मुझे रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट मिलता है, क्यों, क्योंकि दिस मॉडल एक्टिविटी करूं तब भी मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और दिस लोड मॉडल करूंगा तब भी मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अब वो क्यों हो रहा है, वो अगर आप थोड़ा सा ये कोर अगर ओपन करके देख लें, ये देखिए ये एक्सटेंड कहां से हो रहा है, कंट्रोलर से, और कंट्रोलर पड़ा हुआ है कोर के अंदर, और इसको अगर आप देखेंगे मॉडल को, तो जो भी आप मॉडल पास करोगे उसका क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। मतलब आपको यहां पर क्या मिलने जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट। सो उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ले लिया, मान लीजिए एक्टिविटी, एक्टिविटी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो ये एक्टिविटी एक्चुअल में क्या है, मेरा इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, एक्टिविटीज क्लास का, और ये एक्टिविटीज क्लास एक्चुअल में है क्या, मॉडल है, ठीक है, तो इस क्लास का मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है, और हमें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी मेथड को कॉल करवाया जाता है, उसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम, और एरो ऑपरेटर से उसकी मेथड को आपको कॉल करना पड़ता है। सो ऑब्जेक्ट का नाम एक एरो ऑपरेटर लगा दिया, और उसकी मेथड का नाम क्या है, स्टोर। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी मेथड को कॉल करते समय आप क्या पास करते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स पास करते हैं। सो स्टोर नाम की मेथड को मैं कॉल करवा रहा हूं, कॉलिंग करते समय मैं पैरामीटर पास कर सकता हूं, उन पैरामीटर पास किए जाने पैरामीटर्स को मैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोलता हूं। तो यहां पर ये डॉलर डाटा जो मैंने एसोसिएटिव अरे बना रखा है, मतलब मेरी सारी इंफॉर्मेशन को मैंने पैक कर दिया एक ऑब्जेक्ट, एक पैरामीटर के अंदर, और बेसिकली एसोसिएटिव अरे होता ही है कि वो डाटा को क्या कर लेता है, एक ग्रुप में, एक कंटेनर में रख लेता है, बजाय कि अलग अलग होने की बजाय आपने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, और ये फैसिलिटी आपको हमेशा एसोसिएटिव अरे के अंदर या नॉर्मल अरे के अंदर ये मिलती है। तो मैंने उसको एक एसोसिएटिव अरे बना दिया। ये देखिए जब भी एरो ऑपरेटर मिल जाए इसका मतलब वो क्या है, आपका एसोसिएटिव अरे। सो ये मेरी क्या है, एसोसिएटिव अरे। सो दिस इज माय एसोसिएटिव अरे। डॉलर डेटा वेरिएबल को या इस अरे को मैंने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया कॉलिंग करते समय। सो डेफिनेटली इस डेटा को मुझे वापस रिसीव करना पड़ेगा, और वो रिसीव कहां करना पड़ेगा, यहां पर, और यहां पर जो वेरिएबल होता रिसीव करते हैं उसे हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का नाम कुछ भी दे सकते हो, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो भेजा है उसी नाम से मैं क्या कर लेता हूं, अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम दे दिया। सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मैंने भेजा डॉलर डेटा, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम भी दे दिया डॉलर डेटा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कुछ भी नाम दे दो आप, ये भी चल जाएगा,
मेरे नाम से भी अगर आप वेरिएबल बनाओगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक जैसा रखूंगा। सो डॉलर डेटा भेजा है तो डॉलर डेटा रिसीव किया, और यहां पर अब क्वेरी के अंदर मुझे यहां पर इस वेरिएबल को रखना पड़ेगा। अब इस वेरिएबल को रखने के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस वेरिएबल में आ क्या रहा है। सो अगेन आप क्या करवा लो, इसको प्री करवा लिया और यहां पर वार्डम करवा लो। ये वार्डम मैंने करवाया और यहां पर मैं डाई कर देता हूं और इस डॉलर डेटा को यहां सप्लाई कर देता हूं। ये सप्लाई किया तो इसके अंदर जाके यहां पर जो मैंने अभी डाई कर रखा है, इस डाई को हटा दो क्योंकि इसका काम हो गया। ये तो हम सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए कर रहे थे और ये हो गया है तो इसको कमेंट करके आगे बढ़ो। और ये हम आगे बढ़ गए और इस स्टोर मेथड के अंदर घुसेंगे और यहां जाके हम डाई हो जाएंगे वापस से, हमारा स्क्रिप्ट जो है रुक जाएगा यहां पर। और हमने इस फॉर्मल आर्गुमेंट में हमने क्या रिसीव किया है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। सो यहां पर हम गए, थोड़ा सा मैं इसको रिलोड किया, मैंने ये एडमिन भेजा, पासवर्ड ये भेजा और मैंने लॉग इन क्लिक किया। तो देखो यूआईडी क्या आ गया मेरा 1 और मेरा ये आईपी में क्या आ गया, आईपी एड्रेस आ गया। तो मुझे इन दो कॉलम को एक्सेस करना है और ये वही है जो कि मैंने वहां क्रिएट किया था, यूआईडी और आईपी नाम से मैंने की बनाए थे। तो बस और इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो आपको रिसीव हो रहा है ये एसोसिएटिव अरे। सो एसोसिएटिव अरे को यहां पर आपको रिसीव करना है तो पहले तो आपको स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि डबल कोटेशन से चालू हुआ है तो तोड़ना भी डबल कोटेशन से ही है और बीच में दो डॉट लगा दिए। उसके बाद आपने लिखा डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, पहले क्या आएगा यूआईडी आएगा और सेकेंड टाइम में वापिस से स्ट्रिंग को तोड़ना है तो दो डबल कोटेशन लगाए, बीच में आए दो कोटेशन लगाए डॉलर डेटा और यहां पर आपने क्या किया आईपी। उसके बाद ये इनको हटा दो आप और यहां पर आप आगे बढ़े, ठीक है। एक्टिविटी के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आप कहां जंप कर जाएंगे, डैशबोर्ड पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए अभी समय हो रहा है 8:39 है ना, और मैंने लॉगिन क्लिक किया और मैं कहां जम कर गया, डैशबोर्ड में। तो यहां पर देखना किसने लॉगिन किया, सिस्टम में कब किया, उसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। देखो 8:39 और 10 सेकंड पर 1 ने लॉगिन किया और इस लोकल होस्ट से लॉगिन किया, क्योंकि लोकल होस्ट का एड्रेस होता है 127.0.0.1। सो किसने लॉगिन किया, किस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, ये सारी जानकारी मिल रही। और हमेशा ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब भी आपके सिस्टम पे कोई भी एंटर कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करके रखना है ताकि बाद में कोई भी आपके डेटा के साथ टेम्परिंग कर रहा है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, सुपर एडमिन के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कब किसने क्या किया। सो यहां पर हम वापिस से मैं अगर जाऊंगा, लॉग आउट किया और वापिस से लॉग इन क्लिक किया, वापिस से आप यूजर एक्टिविटी लॉग्स में आप जाएंगे। सो ये देखिए वापिस से 8:40 पे वापिस से किसने लॉग इन किया, एडमिन ने लॉग इन किया और इस आईपी एड्रेस से। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी इस तरीके से स्टोर होती जाएगी जब जब जो जो लॉग इन करेगा सिस्टम के अंदर, मेरे यूजर एक्टिविटी लॉग्स जो है स्टोर होते चलेंगे। अब यहां पर मैं आपको सॉल्ट का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि सॉल्ट जो है वो आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं स्ट्रक्चर में गया और यहां पर मैं इंसर्ट में गया, सॉरी एडिट में गया, ये एडिट में, और ये जो पासवर्ड हैश है ये मेरा क्या है, मेरा यूजर नेम अभी क्या है, मान लेते हैं कि मेरा यूजर नेम एडमिन है और मेरा पासवर्ड भी एडमिन है, और यहां पर मैं यदि लॉगिन करूं तो मैं MD5 का हैश बना के स्टोर करवा दूंगा। अब देखिए ये जो हैश जनरेट हुआ है ये MD5 का हैश है। अब मान के चलिए कि किसी भी हैकर ने आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके वो डेटाबेस उसको मिल गया, ठीक है, तो वो आपके डेटाबेस की सारी टेबल के डाटा को पढ़ सकता है और किसी तरीके से, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपके PHP में एडमिन में या आपके डेटाबेस के अंदर घुसेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डायरेक्टली विदाउट एंटर किए हुए भी ब्रूट फोर्स अटैक से वो आपके सिस्टम के साथ क्वेरी कर करके देख सकता है कि भाई ये है ये है। तो ब्रूट फोर्स अटैक में भी क्या होता है कि आपके पासवर्ड के साथ वो कंपेयर कर करके देखता है,
जरूरी नहीं है कि वो आपके डेटाबेस में एंटर करके ही वो देखे, नहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है वो आपके डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा हो, तो वो ब्रूट फोर्स अटैक से भी वो कंपेयर करके देख सकता है। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप सॉल्ट का उपयोग नहीं करें तो वीक पासवर्ड हमेशा डिक्रिप्ट हो सकते हैं, वापिस प्लेन में कन्वर्ट हो सकते हैं। हैकर जो हैं वो रेनबो टेबल्स यूज करते हैं। सो यहां पर रेनबो टेबल्स, रेनबो टेबल्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये रेनबो टेबल्स होती हैं, और इसको आप यूं बोल सकते हो कि MD5 रिवर्स, MD5 हैश रिवर्स लुकअप। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसमें हैकर लोग इनका उपयोग करते हैं, और वो क्या करते हैं कि उसका रिवर्स कर देते हैं। यहां पर मैंने, मान लीजिए मेरे पास ये हैश अवेलेबल है, हैकर के पास ये हैश अपने सिस्टम में अवेलेबल है, कहीं से भी उसको हैश अगर है तो वो उसका लुकअप करके देखेगा कि भाई ये है कि नहीं, तो इसको रिवर्स करके देखा। थोड़ी देर बाद आप रुकोगे तो वो बता देगा कि इसका ओरिजिनल प्लेन पासवर्ड क्या है, एडमिन है, तो वो आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम जब भी यूजर से पासवर्ड ले रहे हैं या जब हम उसको स्टोर करवा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, उसका सॉल्टेड हैश स्टोर करवाना पड़ेगा। एक सॉल्टेड हैश बनाने के लिए आप एक अपनी टेस्ट फाइल बनाओ, और मैंने ऑलरेडी एक सॉल्ट डॉट पी एच पी नाम से एक फाइल बना रखी है टेस्ट फोल्डर के अंदर, और मेरा सीक्रेट कोड जो है, मान लीजिए इंडिया एट द रेट इज द बेस्ट, ये मेरा एक सीक्रेट सॉल्ट है जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। तो यूजर के द्वारा आने वाले पासवर्ड को मैं सॉल्ट से कंकैटिनेट करवाऊंगा और MD5 का हैश जनरेट करवाऊंगा। तो मान लीजिए मेरा अभी यूजर का पासवर्ड है एडमिन, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने रिवर्स लुकअप किया है तो मुझे मिल गया ना एडमिन। तो मान लीजिए इसी पासवर्ड को मैं सॉल्ट के साथ कंकैटिनेट करवा के अगेन MD5 मिला के और मैं अपना हैश निकालूंगा। सबसे पहले तो मैं अपना हैश बना लेता हूं। मैं यहां पर गया सॉल्ट पे और ये मेरा हैश बना। इस हैश को मान लीजिए मैंने अपना हैश बना रखा है। मैं डबल क्लिक किया, ये पुराना हैश हटा के नया हैश पेस्ट किया। अब मान लीजिए ये वाला हैश अगर किसी को पता चल भी गया तो वो रिवर्स लुकअप करेगा, अब वो रिवर्स करेगा। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये प्रोसेस होने दो इसको, इम्पॉसिबल है कि वो रिवर्स निकाल दे। एज फार एज आपका सॉल्ट जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा और रैंडम बनाने के लिए ये भी मैटर करता है कि आपने सॉल्ट अपने पासवर्ड के बाद में कंकैटिनेट किया है, पहले कंकैटिनेट किया है, कितना कंकैटिनेट किया है, ये भी मैटर करता है। क्योंकि हैकर को थोड़ी पता है क्या कि आपने बाद में कंकैटिनेट किया है कि पहले कंकैटिनेट। अच्छा, हैकर को अगर ये सॉल्ट का सीक्रेट कोड पता चल भी जाएगा तो वो ये नहीं बता पाएगा कि आपने पहले कंकैटिनेट किया है कि बाद में कंकैटिनेट किया, क्योंकि कहां कंकैटिनेट कर रहे हो उस पर भी बेस्ड आपका क्या होगा, वो यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा। वो इम्पॉसिबल ही है लगभग। फिर भी आपको इम्पॉसिबल का भी इम्पॉसिबल करना है तो ये सॉल्ट में आप क्या करो, ये कर लो। अब MD5 की खासियत ये होती है कि हमेशा वो 32 कैरेक्टर का ही स्ट्रिंग जनरेट करता है, भले ही आप इसके अंदर कितना भी लंबा चौड़ा पासवर्ड लिख दो। यहां पर देखिए मैंने सॉल्ट 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 करके मैंने एक्चुअल पासवर्ड से मेरा सॉल्ट कंकेटिनेट करवा दिया, और सॉल्ट भी कितने सॉल्ट कंकेटिनेट करवा रहे हैं, बहुत सारे मैंने करवा दिए ताकि मेरा जो हैश बने वो बिल्कुल ही कंप्लीटली यूनिक बन सके। देखिए ये नहीं निकाल पाया, ये इसकी प्रोसेसिंग भी हो गई है और इसका रिवर्स लुकअप भी नहीं कर पाया, ठीक है। यहां पर जो है ये मेरा पासवर्ड स्टोर हो गया है। अगर अब मैं अपने फ्लिपकार्ट में अगर लॉगिन करने की कोशिश करूं ये एडमिन के अंदर, मेरा यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड एडमिन है, वापस से मैंने एडमिन और एडमिन टाइप कर रहा हूं, लॉगिन कर रहा हूं। यहां पर एप्लीकेशन के अंदर गया, कंट्रोलर के अंदर, एडमिन के अंदर, एडमिन के अंदर, यहां पर ये देखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां भेजी चेक यूजर में, और चेक यूजर एग्जिस्ट वो किसके अंदर है, लॉगिन मॉडल के अंदर है। मैं यहां पर गया लॉगिन मॉडल के अंदर,
ये रहा मेरा लॉगिन मॉडल, और यहां पर आप देखिए मैंने अपने सॉल्ट जो है ओरिजिनल सॉल्ट यहां पर ले रखा है और इसका स्ट्रिंग जनरेट कर रखा है और क्वेरी डेटाबेस से हमने ये कर रखा है, ठीक है। क्योंकि अभी ये वाला तो मैंने सिर्फ लिख के बताया था आपको, बट एक्चुअल में सॉल्ट तो इसी का हो रहा है। सो ये ऑलरेडी यहां पर मैंने लॉगिन के अंदर आपको ये कुछ ये बस ये इतना सा लिखना है, ये वाला कंकैटिनेट करवा देना है। उसके बाद जो हैश, क्योंकि यूजर का जो पासवर्ड आया उसमें आपकी सीक्रेट कोड अटैच करना है और MD5 निकालना है और हैश ये हो जाए। अगर यहाँ से सॉल्ट में एक भी गड़बड़ हुई, ये देखिए मैंने बेस्ट का टी मैंने हटा दिया और मैं वापस से इसको सेव किया और मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, मैंने यूजर नेम डाला एडमिन और मैंने पासवर्ड भी डाला क्या एडमिन, अब मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा हैश मैच नहीं हो रहा है, जो DB में पड़ा हुआ हैश है और जो यहां पर जनरेट हो रहा होगा वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो DB से जब हम क्वेरी करवा रहे हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड बता दिया। अगर आपका सॉल्ट सही है, आपका सॉल्ट सही है और उसका MD5 मैच हो गया, मतलब DB में जो हैश पड़ा हुआ है यूजर से जो पासवर्ड आया उससे मैंने सॉल्ट मिलाया और उस सॉल्ट का जो पासवर्ड हैश बना, हैश से हैश को मैं क्या करवाऊंगा, कंपेयर करवाऊंगा कि वो एग्जैक्ट होने चाहिए। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है इसका मतलब इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और अगर हैश मैच हो गया इसका मतलब वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसको कहां भेज देना है अपन को, डैशबोर्ड पेज पर। तो ये मैंने सेव करवाया और यहां से देखते हैं वापिस से, मैंने अगेन यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड मैंने क्या किया एडमिन और मैंने लॉग इन करवा, ये देखो डैशबोर्ड पर जंप हो गया, ठीक है। ADMIN और रिमेंबर, ये डैशबोर्ड पर जंप हो गया और अपडेट पासवर्ड कर दिया, ये गया ये अपडेट पासवर्ड। अब इसमें क्या होता है कि वो पासवर्ड रिमेंबर हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो, अगर इस पर टिक करते हो लॉग इन करते हो तो पासवर्ड रिमेंबर हो जाना चाहिए, तो वो भी मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पर रिमेंबर में ऑलवेज रिमेंबर होता है तो वो कैसे करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा हम देख लेते हैं कि हम जो अपना फ्रेमवर्क है वो लगभग CI जैसा ही बना रहे हैं, ये एग्जैक्ट कोड इग्नाइटर जैसा ही फ्रेमवर्क हम बनाने जा रहे हैं। सो उसका ये कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क मैंने लिया, ये देखिए एप्लीकेशन सिस्टम, तो हमारे भी अंदर क्या है, हमारे भी फ्रेमवर्क के अंदर एप्लीकेशन सिस्टम मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर घुसे सेम टू सेम वो के वही स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर। ये देखो कंट्रोलर, उसके बाद कोर, लाइब्रेरीज, मॉडल, व्यूज, सारा के सारा एग्जैक्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी CI के अंदर क्या होता है, इन्होंने अपने कंट्रोलर नेम फिक्स दे रखा है और सेम टू सेम वैसे के वैसे ये भी करवा रहे हैं डॉलर दिस लोड व्यू, हम भी क्या करवा रहे हैं, हम भी सेम टू सेम वो के वही कर रहे हैं डॉलर दिस लोड व्यू। सो आपको एक फ्रेमवर्क समझने में आसान हो जाएगा अगर आप एग्जैक्टली वैसे ही चल रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे नोटपैड प्लस प्लस के ये जितने भी कंट्रोलर के नेम है मैं आज से क्या कर रहा हूँ, CI_controller ही कर रहा हूँ, ताकि आपको फ्रेमवर्क को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी कि भाई ये ऐसे होता है। सो इसको मैंने फाइंड किया, अब फाइंड कोई सा भी एक कंट्रोलर ले लो, जैसे कि मैं यहां पर गया मैंने अकाउंट कंट्रोलर लिया, सो मैं ढूंढूंगा किसको, एक्सटेंड कंट्रोलर को ढूंढूंगा यहां पर रूट लेवल से, ये रूट लेवल से मैंने किया फाइंड इन एक्सटेंड कंट्रोलर और उसको रिप्लेस करूंगा किससे, CI कंट्रोलर से, पेस्ट किया और यहां पर मैंने पेस्ट किया एक्सटेंड कंट्रोलर को, एक्सटेंड CI कंट्रोलर से मैं क्या करूंगा रिप्लेस करूंगा और मैं रिप्लेस इन फाइल्स, ये मेरे से एक बार वार्निंग पूछेगा तो ओके।
आज से मेरे पेरेंट कंट्रोलर का नाम कंट्रोलर ना होते हुए सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर नाम से बन जाएगा। ये सारे रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे कंट्रोलर का नाम यदि कंट्रोलर डॉट पीएचपी नहीं है तो क्या होना चाहिए? सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट पीएचपी होगा, जो कि ये फाइल हमारी कोर फोल्डर में पड़ी हुई है। तो वहां पर जाके मुझे इस फाइल को रीनेम भी करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। तब तक हम ये भी देख लेते हैं कि एक्चुअल कोडिग्नाइटर के अंदर एक्सटेंड सीआई अंडरस्कोर मॉडल ऐसा सर्च कर लेते हैं और ओरिजिनल मॉडल का वो देख लेते हैं कि क्या नेम होता है। जैसे हमारे इसमें मॉडल से एक्सटेंड करवाते हैं तो वो सीआई अंडरस्कोर मॉडल से एक्सटेंड करवाते हैं। ये देखिए सीआई अंडरस्कोर मॉडल से एक्सटेंड करवाते हैं। ये देखिए सीआई अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है। तो यही हम भी फॉलो करेंगे यहां से। ये देखिए 26 जगह पर ये रिप्लेसमेंट हो चुका है। सेव किया, और अगर इसी कोड को अगर आप रिफ्रेश करोगे तो शायद ये एरर फेंक देगा, क्योंकि सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर नाम की कोई फाइल ही नहीं है फ्रेमवर्क में। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कोर फोल्डर है वहां पर ये कंट्रोलर डॉट पीएचपी को हम रीनेम कर देंगे यहां पर आज से सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट पीएचपी से मैंने रीनेम कर दिया। सेव किया और रिफ्रेश किया, अगेन दिक्कत आ रही है। तो उसको आप कहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ऐप के अंदर, और कैटेगरी डॉट पीएचपी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कैटेगरी डॉट पीएचपी। सो कहां पर है कंट्रोलर के अंदर, ये रही कैटेगरी, और ये कोड हमने यहां पर कर रखा है इनिट के अंदर कोर ऐप। ये इसको प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं ये वाला राउट हटा दूं तो भी यही दिक्कत है। तो कैटेगरी डॉट पीएचपी में प्रॉब्लम है, कंट्रोलर के सारी फाइल्स को मैं हटा देता हूं। सो नॉट फाउंड कंट्रोलर्स के अंदर, एप्लीकेशन कंट्रोलर्स के अंदर। सो एप्लीकेशन कंट्रोलर्स और कैटेगरी, सो कैटेगरी ये रही। सो एक्सटेंड किया सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर से, तो इसको ये फाइल मिल नहीं रही है। तो लाइन नंबर 4 पर ये फाइल मिल नहीं रही है। और कोर के अंदर गए सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर, सो यहां पर मैं ऐप डॉट पीएचपी में गया
और ये जो है अभी इस लाइन को मैं यहां पर यदि कमेंट कर दूं, एप्लीकेशन कंट्रोलर यहां तक मैं डाई करवा देता हूं, कोई एरर तो नहीं आ रही है। सही है, ये कट किया मैंने, ये डाई किया, यहां तक एरर आ गई। सो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर वो कैटेगरी को रिक्वायर करेगा, सो कैटेगरी को उसने रिक्वायर किया और यहां पर उसने क्या किया, कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। सो कैटेगरी ये रही और सीआई कंट्रोलर मिल नहीं रहा है उसको। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर लोड हो जाना चाहिए था। सो इसका लॉजिक फिर आपको यहां से देखने को मिलेगा कि इनिट के अंदर ये जो आप कर रहे हो कॉन्फिग कॉन्फिग और कोर एप्लीकेशन के अंदर ये सारे ही लोड हो रहे हैं। प्रॉब्लम बस यहां पर है कि जैसे ही आपने रिक्वायर किया इसको कैटेगरी को तो प्रॉब्लम आ रही है, सीआई अंडरस्कोर कंट्रोलर इज नॉट फाउंड। कंट्रोलर्स एक ऐसा करते हैं कि यहां पर मैं भी हार्ड कोडेड एप्लीकेशन के अंदर कोर के अंदर और सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर को रिक्वायर करवा लेता हूँ, क्योंकि अगर वो रिक्वायर हो जाएगी तो मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैन नॉट डिक्लेयर क्लास कंट्रोलर बिकॉज द नेम ऑलरेडी इन यूज, सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर। ओह प्रॉब्लम समझ में आ गई, जो फाइल का नाम होता है वो के वही क्लास का नाम होता है, तो सी आई अंडरस्कोर कंट्रोलर। ठीक है ना, एक छोटी सी मिस्टेक और ये नहीं हुआ, तो ये देखना, कैन नॉट रीडिक्लेयर। सो ठीक है, सेव किया, ये देखो एरर हट गई और यहां से मैंने ये किया, ये हो गया। अब यहां पर देखना, परफेक्ट परफेक्ट, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं करना था, वो आपने जो रीनेम किया है तो रूल तो आपको पता ही होगा कि जो फाइल का नाम होता है वो वही क्लास का नाम होता है। अब मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया मगर क्लास का नाम चेंज नहीं किया, इसलिए वो एरर फेंक दिया। ठीक है, तो रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं। सो यहाँ पर जो फाइल का नाम है वो के वही मैंने क्लास का नाम दिया और यहाँ पर ये देखो हो गया। अब इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, अपने मॉडल का नाम भी सीआई में इसको दे देते हैं। सो जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, सो मैं यहाँ पर गया मॉडल, सो मॉडल्स ये देखिए, जितने भी मॉडल्स हैं ये देखिए, एक्सटेंड मॉडल को मैं रिप्लेस करूंगा इससे, सीआई अंडरस्कोर मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल मतलब किसी भी यूजर ने अगर वीडियो को बीच में से देखा तो वो यही मानेगा कि भैया जो है कि ये सीआई यूज कर रखा है, मगर ये सीआई नहीं है, ये कोर पीएचपी है बेसिकली। सो सीआई मॉडल से मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस ऑल, सो फाइंड इन फाइल्स रिप्लेस ऑल, और
और मैं यहां से रिप्लेसमेंट कर देता हूं। अब अगेन आपको क्या करना है, कोर में जाके मॉडल में जाके जो फाइल का नाम है वो के वही क्लास का नाम करना पड़ेगा। ठीक है, 14 रिप्लेसमेंट हुए हैं और ये आप देखना ये सारे ही मॉडल्स जो हैं मेरे CI अंडरस्कोर मॉडल से एक्सटेंड हो गए हैं। तो अब मुझे लास्ट काम क्या करना है, कोर के अंदर जाना है और ये जो मॉडल है इस फाइल को मुझे क्या करना है, CI अंडरस्कोर मॉडल करना है। सबसे पहली बात तो इसको रीनेम करके CI अंडरस्कोर मॉडल किया मैंने, ये मैंने किया। फिर इस फाइल को आपको ओपन करना है, ओपन किया, जो क्लास का नाम वो के वही, जो फाइल का नाम वो के वही आपको क्या करना है, क्लास का नाम करना है। सो यहां पर मैंने किया, सेव किया। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई एरर आनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मॉडल नॉट फाउंड हेल्पर्स के अंदर, ठीक है, हाँ हेल्पर्स वाला काम किया ही नहीं अभी। सो सिस्टम के अंदर हेल्पर पे गए, सिस्टम के अंदर हेल्पर्स के अंदर ये गए और ये फिल्टर के अंदर है, फिल्टर के अंदर है फिल्टर। सो फिल्टर न्यू मॉडल, हाँ तो मॉडल है ही नहीं, तो यहां पर अभी मैं क्या कर लेता हूँ, CI अंडरस्कोर मॉडल रिफ्रेश। इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूं, ये MySQLi RealScape स्ट्रिंग को भी कमेंट कर रहा हूं, इसको भी कमेंट कर रहा हूं। रिफ्रेश किया, मॉडल नॉट फाउंड CI अंडरस्कोर कंट्रोलर के अंदर, कहीं ना कहीं हम मॉडल यूज कर रहे हैं, क्लास मॉडल नॉट फाउंड CI अंडरस्कोर कंट्रोलर। सो एप्लीकेशन के अंदर कोर के अंदर CI अंडरस्कोर कंट्रोलर, सो कोर के अंदर CI कंट्रोलर के अंदर यहां पर आपको देखना है अनकॉच क्लास मॉडल नॉट फाउंड ऑन 11 दिस न्यू मॉडल CI अंडरस्कोर मॉडल। सो ये हो गया। अब मैं देख लेता हूं एक बार एडमिन, ये मैंने लॉगिन क्लिक किया, ये सब जगह हो गया। मैंने लॉगआउट की क्लिक किया, ये सब जगह हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मैं वर्क करना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर अभी जो है हमने डेटाबेस का कनेक्शन मॉडल फाइल के अंदर कर रखा है, तो CI अंडरस्कोर मॉडल के अंदर गए और ये देखो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन मैंने यहाँ कर रखा है। तो ये डेटाबेस कनेक्शन यहाँ ना करते हुए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ये डेटाबेस कनेक्शन यहाँ ना करते हुए आप इसको अभी के लिए आप क्या करो, आपके एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि index.php है, अभी के लिए आप ऊपर ही ऊपर यहाँ पर रख ले। और यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया, या कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया और ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ से हटाए। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना दी और यहाँ पर चार पैरामीटर्स जो है मैं स्टोर कर देता हूँ। चारों स्ट्रिंग है और यहाँ पर आप देखना मैंने लिखा लोकल होस्ट, उसके बाद मैंने लिखा रूट, उसके बाद लिखा मैंने पासवर्ड और उसके बाद मैंने डेटाबेस का नेम, सो फ्लिपकार्ट अंडरस्कोर DB ये मैंने किया। अब ये मेरा कौन नाम से जो वेरिएबल है, ये कौन COOMM ये वाला जो वेरिएबल है, ये मैंने बाहर ही बाहर ऊपर ही ऊपर, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट ही है index.php, यहां से ही पूरा चालू हो रहा है क्या,
सो यहां पर स्टार्टिंग में मैंने सेशन स्टार्ट करने के तुरंत बाद कनेक्शन चालू किया। इस वेरिएबल को मुझे अपनी एप्लीकेशन की किसी भी फाइल में मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूं, सिर्फ आपको जिसके अंदर भी हो आपको वहां पर उसको क्या करना है, उसको ग्लोबल डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने जैसे ग्लोबल, ये ग्लोबल डिक्लेयर किया, उसी प्रकार से यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ग्लोबल डिक्लेयर करना है। सो ग्लोबल डॉलर कॉन, और यहां से आप देख लेना कि इसका सीओ डबल एन दे रखा है। सो सी आई मॉडल के अंदर गया, सीओ डबल एन, और यहां पर मैंने किया, और इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, इसको इससे इनिशियलाइज कर दूंगा, ताकि मेरा जो कनेक्शन वेरिएबल है, मेरा नीचे का फ्रेमवर्क कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बाकी चीजें वैसी की वैसी चलेगी। ठीक है, और ये इससे हो गया। ठीक है, सो सेव किया और देखते हैं कोई एरर नहीं आए, कोई एरर नहीं आ रही है। लॉगिन करेंगे तब पता चलेगा कि एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि देखो डीबी से हो गया ना। अगर ये यहां पर मैं यहां पर ये किया, मैंने सेव किया, लॉग आउट क्लिक किया, और ये देखो एरर ही एरर। सो कनेक्शन वेरिएबल भी हो गया, रिफ्रेश, ये देखिए, ये देखिए। अब जो मेन प्रॉब्लम थी कि हमारा फिल्टर डॉट पी एच पी, सारी फाइल्स को क्लोज किया नाउ। अब सिस्टम के अंदर जो है हमारा, सिस्टम के अंदर फिल्टर डॉट पी एच पी, यहां पर आप देखिए ये हमने अलग से एक मॉडल बनाया था। मतलब मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था कि यहां से हम ये नया मॉडल बना रहे हैं। इसका मतलब मेरी डेटाबेस के दो इंस्टांस एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं। अननेसेसरी आपने दो इंस्टांस बना दिए, दो कनेक्शंस बना दिए। अब जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाएंगे सिस्टम पे लोड पड़ेगा। अभी क्या हो गया है कि मेरी एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने एक ही कनेक्शन बनाया और उसी कनेक्शन वेरिएबल को मैं थ्रू आउट यूज करूंगा अभी के केस में। सो इसीलिए मैंने उसको ऊपर ऊपर ले गया और वहां पर मैंने डिफाइन किया, और यहां से मैं हटा रहा हूं। अब यहां से हटा रहा हूं तो मुझे ये वापिस से क्या करना पड़ेगा, ये अनकमेंट किया ये फिल्टरिंग को, और यहां पर आपको क्या देना है, डॉलर कॉन, क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइन है। और ये कोई फंक्शन नहीं है कि यहां पर मैं ग्लोबल लिख के एक्सेस करूं, ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगे। सो ये देखिए, ये देखिए कनेक्शन वेरिएबल, ये हो गया ना, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है ये रहा, और ये देखिए डॉलर कॉन। तो यहां फिल्टर के अंदर डॉलर कॉन करके माई एसक्यूएलआई रियल एस्केप स्ट्रिंग करूंगा, और मैं अभी आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से मैं सिस्टम को पेनेट्रेट करने की कोशिश करूंगा। मैंने सही यूजर नेम डाला, सही पासवर्ड डाला, तो मैं लॉग इन कर गया, मैंने लॉग आउट किया, मेरे पास ना तो यूजर नेम है ना पासवर्ड है, मगर मेरे पास चीट शीट है। सो मैं कोई सी भी एक चीट शीट यूज करूंगा और मैं सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करूंगा। सो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए मैंने अटेम्प्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर ये काम कर गया, इसका मतलब मेरा MySQLi RealScape String काम नहीं कर रहा है। ये देखो नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब काम कर गया है। तो बस एक ही प्रूफ बता देता हूं कि यदि इन दो को लाइंस को मैं कॉमेंट कर दूं तो मेरे कहने का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे कि ये इसका कितना इंपॉर्टेंस है MySQLi RealScape String का। सो देखना वापिस से मैं क्या कर रहा हूं, ना तो मुझे यूजर नेम पता है सिस्टम का, ना ही पासवर्ड पता है, मुझे चीट शीट पता है। सो यहां सिस्टम के अंदर मैं लोड करूंगा, मैंने लोड किया, ये मैंने पेस्ट किया, और देखो बगैर यूजर नेम और बगैर पासवर्ड के भी मैं सिस्टम में एंटर कर गया। इसका मतलब ये जो मैंने डॉलर कॉन लिखा था ये काम कर गए हैं, और मेरा सैनिटाइजिंग और फिल्टरिंग का जो बेसिक रूल बताया था मैंने, ऑलवेज फिल्टर एंड सैनिटाइज द इनकमिंग डेटा, वो हमेशा MySQLi RealScape String से करना है। और जब भी गेट मेथड से मेरे पास कोई भी पैरामीटर आएगा तो मैं उसको क्या करवा रहा हूं, उसको फिल्टर करवा रहे हैं, और नीचे नीचे आप देखो उसको CSRF वेरीफाई भी करवा रहे हो कि अगर CSRF टोकन आ रहा है तो उसको वेरीफाई किया, अगर CSRF मैच नहीं हुआ तो तुरंत डाई हो जाएगा। ये भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको करके बता दिया है। सो अब
अब हमारा फ्रेमवर्क बहुत ही हाई लेवल का फ्रेमवर्क बन गया है और इसको हम आने वाले वीडियोस में और भी अच्छा बनाएंगे डेफिनेटली। वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं इसका जिप बना देता हूं। थैंक यू।